ये है दिल्ली दर्पण। मोदी जी मेरा बात ध्यान से सुनिए, मैं सीतामढ़ी जिला से बोल रहा हूँ। चैनपुर में मेरा बेटी को सांप काट लिया था, मेजरगंज में मैं लेके गया हूँ हॉस्पिटल में, यहाँ मैं सुरक्षित लेके गया था। कोई साधन कोई प्रसाधन मेरे को कोई गाड़ी नहीं दिया है, मैं उसको बोला एम्बुलेंस दो इसको सीतामढ़ी ले जाने के लिए, तो कोई मेरे को गाड़ी नहीं दिया है, एम्बुलेंस नहीं दिया है। मेरा बेटी देखो, बेटी बचाओ का आप ऐलान करके रखा है, बेटी बचाओ नहीं बेटी मुआव कर रहे हो आप, मेरे बेटी को मार दिए हो आप मेरे बेटी को मुआ दिए हो। देखो ये उंगली में सबूत सांप काटा है, मैं यहाँ पे बांध के और हॉस्पिटल में पहुँचा हूँ और बोला हूँ कि इसको बढ़िया से ट्रीटमेंट कीजिए, तो दो सुइया हलाया है और पता नहीं कौन सा सुइया हलाया है। सीतामढ़ी ले जाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, टेम्पुल में लेके गया हूँ, मेरा बेटी आधा रास्ता में मर गया है। आपके पास एम्बुलेंस नहीं है, यही सरकारी हॉस्पिटल है, मेरे को किडनैप कर लीजिए। आइए मैं गलती बोल रहा हूँ तो पूरा समाज पूरा सबूत मेरे साथ है, देखिए मैं लाश लिया हूँ। मोदी की सरकार चाहे जितने भी विकास के दावे कर रही हो, बुलेट ट्रेन, महाशक्ति, गरीबी हटाओ, लेकिन एक वीडियो काफी है मोदी ही नहीं पूरे सिस्टम की बोलती बंद करने के लिए। विकास का सारा नशा एक तस्वीर उतार सकती है, क्या है ये तस्वीर, सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। बेटी बेटी को लाश लिया हूं, कितना पागल हूं, अभी इतना पागल हूं, मंदोवर तक प्रशासन तक पहुंच जाऊं, अगर है किसी में दम तो शेयर कीजिए बात को आगे। बेटी बचाओ नहीं, बेटी मुआव हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है। मेरा बेटी को सांप काट लिया तो इसको इलाज नहीं होगा, डेढ़ घंटा तक मेरा बेटी जिंदा रही है, डेढ़ घंटा बोलता हूँ सॉरी, आधा घंटा तकरीबन 40 मिनट तक मेरा बेटी जिंदा रही है, एम्बुलेंस नहीं मिला मेरे को। एम्बुलेंस ना मिलने के कारण हॉस्पिटल पहुँचने में देरी होने पर 4.5 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। इसे सांप ने डसा था। अपनी बेटी की मौत के बाद पिता का सरकार पर आक्रोश फूट पड़ा। बेटी की लाश गोद में लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बरसते पिता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बेहद शर्मनाक घटना है 7 सितंबर की शाम की। चैनपुर गांव के अमरेंद्र राम की बेटी सिमरन की उंगली में सांप ने डस लिया था। पिता टेम्पो में बैठकर फौरन बच्ची को लेकर समीप के हॉस्पिटल में पहुंचा, वहां उसे सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया और यहीं से सांप के डंक के साथ सिस्टम के डंक ने धीरे धीरे बच्ची को डसना शुरू कर दिया। देर तक पिता अमरेंद्र ड्राइवर और एम्बुलेंस की तलाश करता रहा, लेकिन उसे एम्बुलेंस नसीब नहीं हुई। पिता 30 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल के लिए निजी वाहन से भागा, लेकिन बच्ची ने रास्ते में दम तोड़ दिया। पिता का आरोप है कि बच्ची 40 मिनट तक जीवित रही थी, अगर उसे सही समय पर एम्बुलेंस मिल जाती तो उसकी जान बच जाती। पिता ने अपनी आपबीती वीडियो के जरिए मोदी तक पहुंचाने की कोशिश की है, हालांकि उसका आक्रोश साफ देखा जा सकता है। एक पिता की एक बेटी मरी है, वो भी सिस्टम की लापरवाही से। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए ऋषि शर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर